तो वही बड़ी खबर, जोशीमठ में आज से डिमोलिशन अभियान, और जोशीमठ में आज से गिराए जाएंगे असुरक्षित मकान। होटल मलारी से शुरू होगा डिमोलिशन अभियान। नैनीताल से जोशीमठ पहुंची एनडीआरएफ की टीम। जोशीमठ सीबीआरआई के दल की निगरानी में डिमोलिशन होगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जोशीमठ में डिमोलिशन अभियान, एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है। जोशीमठ में आज से असुरक्षित मकान गिराए जाएंगे, ढाए जाएंगे। होटल मलारी से डिमोलिशन शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि नैनीताल से जोशीमठ पहुंची एनडीआरएफ की टीम, और जो वहां पर असुरक्षित मकान है उन सभी पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं ताकि असुरक्षित मकानों को ढाए जा सके। तो एनडीआरएफ की टीम भी जोशीमठ पहुंच चुकी है, और आपको बता दें कि आज से सीबीआरआई के दल की निगरानी में डिमोलिशन होगा। तो जोशीमठ से बड़ी जानकारी, आज से डिमोलिशन अभियान शुरू हो चुका है। असुरक्षित मकान जो है वो गिराए जाएंगे, और होटल मलारी से डिमोलिशन अभियान जो है वो शुरू होगा। तो नैनीताल से जोशीमठ पहुंची एनडीआरएफ की टीम, जोशीमठ सीबीआरआई के दल की निगरानी में डिमोलिशन होगा। तो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं जोशीमठ से। कई घरों में दरारें आई, और कई घर ऐसे हैं जिसमें ज्यादा दरारें आई हैं, असुरक्षित मकान है, उन पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं और मार्क किया जा रहा है उनको। इसके बाद जो जितने भी असुरक्षित मकान हैं उन सबको काउंट करके और धीरे धीरे उन सबको ढाहे जाएंगे। तो डिमोलिशन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। जोशीमठ में आज से असुरक्षित मकान गिराए जाएंगे। होटल मलारी से डिमोलिशन अभियान शुरू होगा। नैनीताल से जोशीमठ एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है नैनीताल से जोशीमठ, और जोशीमठ सीबीआरआई के दल की निगरानी में डिमोलिशन होगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि अब जितने भी असुरक्षित मकान हैं वो गिराए जाएंगे। पहले उनको मार्क किया जाएगा और इसके बाद उन सभी को ढाहे जाएंगे। तो असुरक्षित मकानों आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लाल निशान लगाए गए हैं घरों में जितने भी असुरक्षित मकान हैं। और होटल मलारी से डिमोलिशन अभियान की शुरुआत हुई। नैनीताल से जोशीमठ एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। जोशीमठ सीबीआरआई के दल के निगरानी में डिमोलिशन होगा। तो वही ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ कुलदीप राणा जुड़ गए हैं। कुलदीप, जोशीमठ में आज से डिमोलिशन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए कल ये शुरुआत कल से हो गई थी, लेकिन कल वहाँ पे जिन 75 मकानों की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की गई थी वहाँ पे स्थानीय लोगों ने विरोध किया। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना था, जो भवन स्वामी थे जिनके मकानों को ध्वस्त किया जाना था उन लोगों ने वहां पे आंदोलन शुरू कर दिया, और उनका कहना था कि जब तक इनका आर्थिक मूल्यांकन नहीं हो जाता, मुआवजे राशि तय नहीं हो जाती है, तब तक इनको ध्वस्त नहीं किया जाने दिया जाएगा। और कल देर रात तक वहां पे आंदोलन चला, प्रशासन और जो आंदोलनकारी हैं उनके बीच तनातनी चली और पूरे रात भर वहां पे नारेबाजी की गई। हालांकि बाद में प्रशासन को अपने कदम पीछे हटाना पड़ा, ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रोकनी पड़ी, और फिर आज सुबह जो नगर पालिका का सभागार है उसमें एक बैठक की गई। वहां पे जो सचिव हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, उनके द्वारा एक बैठक ली गई, और उनके द्वारा जो स्थानीय भवन स्वामी हैं उनके साथ बैठकर तमाम मसलों पे बातचीत की गई। और शुरुआती दौर में जो प्रभावित लोग हैं, मुख्यमंत्री ने भी प्रभावितों को 1.5 लाख मुआवजे की राशि तय की है फिलहाल जो प्रभावित हुए उनके विस्थापन को लेकर। हालांकि जो उनकी परिसंपत्तियां हैं उन परिसंपत्तियों को लेकर बाद में मूल्यांकन किया जाएगा, बाद में उसकी राशि तय की जाएगी, लेकिन शुरुआती तौर पे एक पैकेज के तौर पे जो प्रभावित परिवार हैं उनको 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। हालांकि अभी भी वहां पे जो जोशीमठ का नगर पालिका सभागार है वहां पे बैठक चल रही है, और अब आगे किस तरह से ध्वस्तीकरण, जो 75 मकान आइडेंटिफाई किए गए थे उन पे लाल निशान क्रॉस का लगाया गया था, उन मकानों को ध्वस्तीकरण को लेकर वहां पे लगातार बैठक चल रही है, और आगे किस तरीके से वहां पे लोग तैयार हो पाते हैं कि नहीं होते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो खतरे बने हुए हैं जो मकान, उनको प्रशासन किसी भी तरह से ध्वस्त करने के मूड में है, क्योंकि उनको लेकर बहुत सारा आसपास की आबादी, खासतौर पर जो मलारी और माउंट व्यू होटल जोशीमठ में है उनको लेकर पूरे निचले इलाके में खतरा बना हुआ है। तो उन होटलों के ध्वस्तीकरण को लेकर सबसे ज्यादा प्रशासन की संवेदनशीलता रहेगी, और उसी को लेकर प्रशासन जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं।
बिल्कुल कुलदीप, जिस तरीके से अभी जोशीमठ की स्थिति है और उस समय में सरकार कह रही है कि जितने भी लोगों के घर में दरार आई है उन सबको धीरे धीरे कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन कई लोग अब भी ऐसे हैं जो शिफ्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में सरकार के लिए भी ये बड़ी रुकावट है। बिल्कुल, सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण पूरा मसला है, क्योंकि एक तो लगातार जोशीमठ क्षेत्र में दरारों का सिलसिला शुरू हो रखा है, लगातार जो चार्ज वार्ड प्रशासन की तरफ से सरकार ने पूरी तरह से असुरक्षित घोषित किए हैं, उन लोगों को विस्थापन करना प्रशासन और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। और उसके अलावा क्योंकि लगातार अन्य वार्डों में भी दरारों का सिलसिला जारी है, तो वहां भी प्रशासन की तरफ से राहत बचाव और विस्थापन की कार्यवाही करे इसको लेकर भी लगातार वहां पे आपदा प्रबंधन की टीमें वहां पे कार्य कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ये साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन आनन फानन में डिसीजन ले रहा है, जो वहाँ की लोगों की परिसंपत्तियां हैं, वहाँ का लोगों का रोजगार है, उनके घर बार है, उनके पुस्तैनी खेत कल्याण है, मकाने हैं, उनका अभी तक किसी भी तरह से मूल्यांकन नहीं कर पाए कि वो लोगों को कितना मुआवजा देगा, उनको कहाँ विस्थापित करेगा। केवल सरकारी भवनों में शिफ्ट करना अलग बात होती है और स्थायी रूप से लोगों को शिफ्ट किया जाना दूसरी बात होती है। तो लोग इसी बात को लेकर अडिग है कि जो वहां पे एक तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है उसका सही से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और जिन लोगों की जितने उसकी आय है, जितने भवन की कीमत है, जितनी जमीन की कीमत है, वो उनको मिलनी चाहिए, और दूसरा जहां पर विस्थापन उनको किया जाना चाहिए तो कम से कम विस्थापन को लेकर पुख्ता प्रबंध सरकार को करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि अन्य जगहों की तरह सालों से विस्थापन के और पुनर्वास के फाइल लटके रहे। विस्थापन और पुनर् बड़ी आबादी प्रभावित पूरी आपदा से जुड़ी। कुलदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।